आज के वीडियो का टॉपिक है माइक्रोफोन एक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि माइक्रोफोन एक्सेस क्या होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हर जो कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी या फिर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, ये एक तरह से हार्डवेयर कंपनी है। इन इन लोगों ने अपने डिवाइस में एक लगाया हुआ है माइक्रोफोन, जो कि एक हार्डवेयर होता है जिससे हम फोन से बात करते हैं तो हमारी आवाज उसमें रिकॉर्ड होती है और जाती है एक तरह से वेव के माध्यम से। ये हम बोलते हैं तो वहां पर सामने वाले को सुनाई देता है। उसी तरीके से हमारे लैपटॉप में भी अगर हम काम करते हैं तो वहां उसमें भी माइक्रोफोन होना होता ही है, और कंप्यूटर में भी होता ही है माइक्रोफोन, क्योंकि बिना उसके हम जो है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, इसलिए जरूरी होता है। तो खैर, इन लोग का तो काम है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना, हार्डवेयर है मतलब मोबाइल डिवाइस को बेचना। लेकिन सबसे अहम बात तब हो जाती है जब आप अपने फोन में ऐसे सभी ऐप को माइक्रोफोन एक्सेस दे देते हैं, यानी कि अलाउ कर देते हैं परमिशन को, और वो जो है बैकग्राउंड में आपके आवाज को रिकॉर्ड करते रहता है। आप सोचेंगे कि कैसे ऑटोमेटिक हो सकता है ये। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई वॉइस रिकॉर्डर है, उसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि व्हाट्सएप है, उस पर वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, तो उससे जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपका जो है व्हाट्सएप में पहले से ही परमिशन मिल चुका है। जब आप व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, चाहे अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, तो उसमें माइक्रोफोन एक्सेस के लिए परमिशन मांगता है, तो आप पहले ही दे देते हैं। वो क्यों मांगता है? वो इसीलिए कि आप जो है व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या फिर वॉइस का कमांड का जो फीचर है उसका इस्तेमाल कर सके। गूगल क्रोम में भी ये फीचर्स है, गूगल में भी ये फीचर्स है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके फोन में कोई वीडियो एडिटिंग या फिर आपके लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग जो है सॉफ्टवेयर है, ऐप है, तो उसमें भी ये परमिशन आपको देना पड़ता है। इसके अलावा हर ऐप में जिसमें आप वॉइस कमांड का इस्तेमाल करते हैं उसमें माइक्रोफोन एक्सेस को परमिशन देना पड़ता है। लेकिन इससे क्या हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। इससे पहली बात यह है कि माइक्रोफोन जो एक्सेस है वो इसलिए देते हैं ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दे सके। लेकिन फीचर्स जिस चीज को आप इस्तेमाल नहीं करते उस चीज के लिए माइक्रोफोन एक्सेस को देना कितना फायदेमंद है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रोफोन एक्सेस क्या होता है और माइक्रोफोन एक्सेस के फायदे और नुकसान क्या है। सबसे बात ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे लोगों से फ्रॉड भी होता है। ठीक है, आपने मोबाइल में जो डाटा है उसको ऑन करके रखा हुआ है, वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्ट करके रखा हुआ है, और क्योंकि अगर आपके फोन में माइक्रोफोन एक्सेस मिला हुआ है, इसके अलावा आपका वाईफाई या फिर नेटवर्क ऑन है, मोबाइल डाटा ऑन है, तो बैकग्राउंड में जो है जो ऐप होते हैं वो आपकी आवाज जो भी गतिविधि है उसको सुनते रहते हैं। अब सब कुछ जो ऑनलाइन है, जो क्लाउड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है आपके फोन में या फिर लैपटॉप में, तो वो क्या एक्टिवेट रहते हैं सिर्फ आपके कमांड से। ठीक है, वो सब डाटा जो है ऊपर क्लाउड में जाता रहता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो कंपनियां हैं, जो ऐप बनाने वाली कंपनियां, इसमें जो है हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों का कोई भी मतलब रोल नहीं है, लेकिन रोल उनका है जो ऐप बनाने वाली कंपनियां हैं, जितने भी ऐप हैं, अगर उनका नियत जो है सही है और उनका जो है मतलब एक तरह से प्रोस्पेक्टिंग है वो सही है, मतलब उनका जो है गलत इरादा नहीं है, तो वे आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल कंपनी हो गई, यूट्यूब हो गई, क्योंकि यूट्यूब में भी हम वॉइस कमांड से सर्च करते हैं कुछ भी वीडियो वगैरह, तो वहां पर भी एक्सेस मिलता ही है। इसके अलावा मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज का हो गया, इसके अलावा जो भी मतलब बेहतर जो व्हाट्सएप कंपनी हो गई, ये भी एक तरह से, लेकिन इसके अलावा और इवन इसमें भी जो भी, मैं सबकी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बड़ी कंपनियां हो सकता है कि आपके मतलब, क्योंकि उनकी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है पूरे दुनिया में, तो वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन छोटे ऐप जो है जिसको आप छोटे मोटे फीचर्स या फिर जो है टिप्स या ट्रिक या फिर जो किसी हिडन कमांड के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है, उससे आपका डाटा जो है किसी अनअथॉरिटी वाले पर्सन के पास पहुंच सकता है, जिससे आपके आपका जो बैंकिंग वगैरह है, बैंकिंग डिटेल है, वो लीक होने की संभावना है। इसके अलावा जो है कई सारे फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ी फायदा ये है माइक्रोफोन एक्सेस का कि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सभी ऐप में, जैसे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, गूगल क्रोम हो, गूगल हो, उन सब में वॉइस का फीचर्स ले सकते हैं। और हाँ, आप इसके लिए अलग से एक, आपने देखा होगा कि स्पीकर आया हुआ है, एलेक्सा का आया हुआ, गूगल असिस्टेंट, उसमें स्मार्ट स्पीकर्स है, तो अगर आप स्मार्ट स्पीकर्स का इस्तेमाल करें तो काफी हद तक सही है, क्योंकि उसमें जो है आपको सिर्फ वो कमांड देने के लिए मतलब बना हुआ है। लेकिन अगर आप जो है स्मार्टफोन में अगर इन सारी चीजों का आप जो है यूज करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं कहीं इसका मतलब नुकसान भी है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे माइक्रोफोन एक्सेस है वो आपको उसी ऐप में एक्सेस देना चाहिए जिस ऐप में आपको बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसमें तो दे सकते हैं, व्हाट्सएप एक ट्रस्टेड कंपनी है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन एक मतलब बहुत पूरी दुनिया में उसका जो है एक मतलब मार्केट शेयर है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, टेक कंपनी है, तो उसमें ये सब चालीस चीजें नहीं होंगी। मैं क्या बोलूंगा, जो हाई रेटेड जो ऐप है उस पर आप माइक्रोफोन एक्सेस दे सकते हैं।
ठीक है, चाहे वो आपके लैपटॉप में जो मतलब ऐप हो या फिर आपके फोन में ऐप हो। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप में किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हैं जिसे आपने परचेज किया है या फिर ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके लिए सेफ है, फायदा है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए कि आपने पायरेटेड वर्जन का जो है ऐप इंस्टॉल कर लिया है अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर आपने स्मार्टफोन में, तो वहीं पर इस माइक्रोफोन एक्सेस को देना आपके लिए नुकसान है। ठीक है, तो माइक्रोफोन एक्सेस का मतलब ये है कि आपको आप अपने माइक्रोफोन को एक्सेस दे रहे हैं कि वो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करें बैकग्राउंड में भी, क्योंकि आपने एक बार माइक्रोफोन एक्सेस से एक बार आपने अलाउ कर दिया, उसे परमिशन दे दिया किसी भी ऐप के अंदर, तो वो अलाउ रहेगा और जब चाहे वो एक्टिवेट हो सकता है उस ऐप के फंक्शन प्रोग्रामिंग कोडिंग के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपको जो भी थर्ड पार्टीज ऐप है या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो क्रैक सॉफ्टवेयर है जैसे कि पायरेटेड वर्जन का सॉफ्टवेयर या ऐप हो, उनसे दूर रहे या फिर उस पे आपको माइक्रोफोन एक्सेस को परमिशन नहीं देना है। तो अब आपके लिए क्या ऑप्शन है, अगर आपने पहले से ही किसी ऐसे ऐप में जो क्रैक है उसमें अपने परमिशन दे दिया है माइक्रोफोन एक्सेस का, आप भी जाकर उसे ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, चाहे आपके पास लैपटॉप हो या फिर जो है स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो, दोनों की सेटिंग में जाइए और यहाँ पर ऐप मैनेजर होता है, वहां पर जाकर आप जिस भी ऐप, उसमें ऐप की लिस्ट आ जाती है, उन सभी ऐप में जो भी लगे कि ये क्रैक वर्जन है जिससे आपका डाटा जो सुरक्षित नहीं है, उसमें जाकर आप माइक्रोफोन एक्सेस को बंद कर सकते हैं, यानी कि उसका जो परमिशन है वो हटा सकते हैं माइक्रोफोन से। ठीक है, उस तरीके से आप इसी को सेम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में कर सकते हैं, इससे आप जो है ज्यादा से ज्यादा सेफ रहेंगे और सेफ्टी आजकल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और आज के दिन भी हो रहा है और बहुत सारे तरीकों से हो रहा है। तो यदि आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे इस टॉपिक पर और ज्यादा आप लोगों को बताने में और इससे अवेयरनेस फैलाने में मदद मिलेगी, मुझे लगेगा ऐसा कि आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल बनाए तो इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।